नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार प्लस और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। एफआईआर के बारे में तो ज्यादातर सभी जानते हैं, पर क्या आपने जीरो एफआईआर के बारे में सुना है? आखिर क्या होती है जीरो एफआईआर? किन मामलों में दर्ज होती है, कैसे दर्ज कराई जाती है और कितनी असरदार होती है ये जीरो एफआईआर? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एफआईआर के बारे में कि आखिर एफआईआर क्या होती है। एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसके आधार पर पुलिस अपनी कार्यवाही शुरू करती है अपराधी को सजा दिलाने के लिए। हिंदी में एफआईआर को प्राथमिकता कहते हैं। बता दें कि अपराध के लिए पुलिस के पास कार्रवाई करने के लिए जो सूचना हम दर्ज कराते हैं उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी कहते हैं। एफआईआर में पुलिस अपराधी को वारंट के बिना ही गिरफ्तार कर सकती है या केवल संज्ञेय या अपराध जैसे हत्या, दुष्कर्म, चोरी इत्यादि मामले में दर्ज की जाती है। अब आगे सवाल आता है कि NCR क्या है, यानी कि नॉन कन्विजल रिपोर्ट क्या होता है, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। असंज्ञेय अपराध जैसे गाली गलौज जैसी छोटी घटनाओं में पुलिस के पास किसी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे में केस को पहले ज्यूडिकल मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है। ऐसे ही मामलों में NCR नॉन कन्विजिबल रिपोर्ट दर्ज की जाती है। FIR के बाद दोषी को सजा दिलाने के लिए पुलिस कार्यवाही शुरू करती है। आपकी चोरी हुई किसी चीज के दुरुपयोग होने का खतरा होता है, ऐसे में आप अपराध में फंस सकते हैं जो आपने किया ही नहीं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए FIR जरूर दर्ज करानी चाहिए। घटना के तुरंत बाद FIR दर्ज करानी चाहिए। देरी होने पर स्पष्ट कारण भी दर्ज देना जरूरी होता है। FIR के बाद दोषी को सजा दिलाने के लिए पुलिस कार्यवाही शुरू करती है। आपकी चोरी हुई किसी चीज के दुरुपयोग होने का खतरा भी होता है, ऐसे में आप अपराध में फंस सकते हैं जो आपने किया ही नहीं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए FIR जरूर दर्ज करा देनी चाहिए। घटना के तुरंत बाद FIR दर्ज करा देनी चाहिए। देरी होने पर स्पष्ट कारण भी बता देना जरूरी होता है। अब अंत में सवाल आता है कि आखिर जीरो FIR क्या होता है? तो सामान्यतः FIR घटनास्थल के पास के थाने में ही दर्ज कराई जाती है, लेकिन अगर पीड़िता को किसी परिस्थितिवश बाहरी थाने में शिकायत दर्ज करानी पड़ती है तो बाद में शिकायत को संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये किसी सीनियर ऑफिसर के माध्यम से ही ट्रांसफर करा सकते हैं, यानी कि घटनास्थल की सीमा से अलग किसी दूसरे इलाके में थाने में दर्ज प्राथमिकता कराई जाती है। अब सवाल आता है कि आखिर क्या होता है जीरो FIR? तो सामान्यतः FIR घटनास्थल के पास के थाने में ही दर्ज करानी चाहिए, लेकिन अगर पीड़ित को किसी परिस्थितिवश बाहरी थाने में शिकायत दर्ज करानी पड़ रही है तो बाद में शिकायत से संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये किसी सीनियर अफसर के माध्यम से ही ट्रांसफर करा सकते हैं, यानी घटनास्थल की सीमा से अलग किसी दूसरे इलाके में थाने में जो प्राथमिक दर्ज कराई जाती है उसे जीरो FIR कहते हैं। आप देख रहे हैं बिहार प्लस और बिहार प्लस पे जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बिहार प्लस के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।